नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को लेकर बड़ी खबर है। आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने से पहले जो जेडीयू में किनारे लगा दिए गए, जेडीयू के जब नेताओं ने मोर्चा खोला उनके खिलाफ, तो आरसीपी सिंह ने मोर्चा संभाला नीतीश कुमार को लेकर और तमाम चीजों को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी। और उसके बाद जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो लगातार कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह अब करेंगे क्या, अपनी पार्टी बनाएंगे या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। एक बार तो उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की तस्वीर भी सामने आ गई, खबर भी सामने आ गई। बाद में पता चला वो जब तेलंगाना गए थे तो बीजेपी नेताओं ने सिर्फ उनका स्वागत किया था, वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन अब आरसीपी सिंह को लेकर ये जानकारी आ रही है, ये खबर सामने आ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। बहुत जल्द आधिकारिक रूप से उनके बीजेपी में शामिल होने का ऐलान हो जाएगा। अंदर खाने से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी ये है कि आरसीपी सिंह दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है और इस मुलाकात के बाद वो आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि भादो का एक चक्कर भी है, भादो के महीने को शुभ नहीं माना जाता, तो आरसीपी सिंह शुभ मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे हैं जो करीबी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, और उसके बाद वो आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के हो जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन आरसीपी सिंह अपने लिए सम्मानजनक ओहदा तो चाहते ही हैं, अपने लिए सम्मान तो चाहते ही हैं, साथ ही उनके साथ जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे उनके लिए भी कोई सम्मानजनक ओहदा चाहते हैं, पद चाहते हैं। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आरसीपी सिंह के साथ 20 नेता हैं तकरीबन जो शामिल हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी को आरसीपी सिंह और चिराग पासवान जैसे नेताओं की जरूरत है। इस वक्त जब नीतीश कुमार साथ छोड़कर चले गए हैं, लालू नीतीश साथ आ गए हैं और इसके संभावित नुकसान के खतरे को भांपते हुए बीजेपी लगातार आरसीपी सिंह और चिराग पासवान जैसे नेताओं को साथ लाने की कोशिश कर रही है। और बड़ी खबर आ गई है कि आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि आरसीपी सिंह दिल्ली जाने वाले हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होनी है, तो खबर पर मुहर लगी है। दिल्ली में आरसीपी सिंह डेरा डाल चुके हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से जब मुलाकात हो जाएगी तो जाहिर तौर पर सही वक्त पर सही मुहूर्त पर आरसीपी सिंह और उनके साथ जो लोग हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, आधिकारिक तौर पर ये ऐलान सामने आ जाएगा।